आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी होम रेमेडी जो कि आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को यानी कि झाइयों को लाइटन करेगी, और साथ साथ अगर अंडर आई एरिया पर डार्क सर्कल्स हैं बहुत टाइम से तो उनको भी ये रिड्यूस करेंगे। और एक बेनिफिट और आपको मिलेगा साथ में कि इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा। जी हाँ, तो तीन चीजों का फायदा आपको होने वाला है। एक तो आपकी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके अंडर आई एरिया का जो ब्लैकनेस है वो रिमूव हो जाएगा, और साथ साथ आपकी स्किन ग्लोरियस बन जाएगी, ग्लोइंग लगेगी, इतनी खूबसूरत दिखेगी, चमकदार दिखेगी। तो कितनी अच्छी रेमेडी ये होगी आप सोच सकते हो। बहुत ही नेचुरल है, घर के किचन की चीजों से ही मैंने ये रेमेडी तैयार करके आपको दिखानी है, और अगर आप इसको लंबे समय तक फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी पिगमेंटेशन लाइटन होगी ही होगी। तो फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे हमने इस होम रेमेडी को तैयार करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट भी मिल सके। पिगमेंटेशन को लाइटन करने के लिए आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आपको दिखा देती हूँ, वो है पोटैटो। पोटैटो यानी कि आलू। आलू के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में होती है, ये हमारी स्किन से दाग धब्बों को, झाइयों को, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती है। काले घेरे अगर स्किन पर हो जाते हैं तो उनको भी ये दूर करती है, और हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइट एंड ग्लोरियस बनाती है। तो सबसे पहले मैंने इसको पील ऑफ कर लिया है, और इसको मैं अपग्रेड करके इसका जूस निकाल लूँगी। ये ग्रेटेड पोटैटो है यानी कि कद्दूकस किया हुआ आलू, और अब मैं इसका जूस निकाल लेती हूँ। इस तरह से इसको लेकर एक बाउल में, तो ये एक चम्मच के करीब जो है ना आलू का जूस हमने निकाल लिया है, और आप देख सकते हो कि नीचे वाइट वाइट जो है ना ये आलू का स्टार्च होता है जो नीचे बैठ जाता है। तो आपने इसको स्पून से मिक्स करके इसके अंदर ही मिला देना है, क्योंकि ये जो स्टार्च होता है ना ये ही हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है, इसी के अंदर असली असर होता है हमारी स्किन से पिगमेंटेशन को लाइटन करने का। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोगों को पता नहीं होता, उनको लगता है कि नीचे कुछ बैठ गया है तो उसे नीचे ही रहने, तो ऊपर से जूस जूस ले लो, तो ऐसा नहीं करना। आपने इसको स्पून से मिक्स करते हुए आपने ये पूरा जूस लेना है विद स्टार्च। ओके, तो ये 1 स्पून के करीब हमारा आलू का रस है। अब जो नेक्स्ट चीज मैं यहाँ ले रही हूँ वो है दोस्तों एलोवेरा जेल। ये मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट किया है घर के प्लांट से, जिसको मैंने स्पून की हेल्प से ही मैश करके इस तरह से तैयार किया है। देखिए एलोवेरा जेल है ये, अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल है ना तो आप जरूर फ्रेश ही लीजिए, अगर नहीं अवेलेबल है फिर मार्केट वाला लीजिए। बहुत बेनिफिशियल होता है एलोवेरा जेल आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को, दाग धब्बों को रिड्यूस करने के लिए, और आपकी स्किन को नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज रखने के लिए, स्किन पर ग्लो लाने के लिए, किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम जो होती है ना उसको दूर करने के लिए एलोवेरा जेल जो है दी बेस्ट माना जाता है। तो मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ 1 स्पून, जितना हमने यहाँ पर आलू का रस लिया है उतना ही हम यहाँ पर जेल ले रहे हैं, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। एलोवेरा जेल और यहाँ पर हमने आलू का रस दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया हमारा ये तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर जो मैं एक चीज डाल रही हूँ गाइज, वो टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको डालिए, अगर आप नहीं चाहते या आपको सूट नहीं करता तो आप उसको ना भी डालिए तो चलेगा। मैं यहाँ बात कर रही हूँ हनी की। हनी यहाँ पर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये विंटर सीजन में हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में अच्छा रहता है, तो यहाँ मैं ज़्यादा नहीं डाल रही, इसको 1/2 टीस्पून डाला है, और अब इसको मिक्स कर लेती हूँ। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उनको हनी सूट नहीं करता, तो अगर भैया आपको सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप कर दीजिए, अगर आपको ये सूट करता है तो जरूर लगाइए।
तो ये हमारी रेमेडी जो है ना बनके तैयार हो गई है इस्तेमाल करने के लिए। जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, पहले तो अपनी स्किन को अच्छे से वॉश कर लीजिए, टॉवल ड्राई कीजिए, नीट एंड क्लीन कीजिए स्किन को, और फिर इसको अपनी स्किन पर लगाइए। हल्के हाथों से मसाज कीजिए, 5 से 7 मिनट मसाज करके हल्के हाथों से, फिर इसको छोड़ दीजिए स्किन पर। जब ये थोड़ा ड्राई हो जाए तो आपने नॉर्मल पानी से अपनी स्किन को वॉश कर लेना है, और आप देखोगे कि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोरियस लग रही है, इतना प्यारी लग रही है, निखरी निखरी लग रही है। यानी कि आपके घर वाले नोट करके आपको बताएंगे कि ये क्या कर रही हो तुम यार, या क्या कर रहे हो कि तुम्हारी स्किन इतनी निखरती जा रही है। तब आपको पता चलेगा कि सच में यार जो चीज़ मैं लगा रही हूँ ये उसी का रिजल्ट है, जो इतना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिल रहे हैं। और इतना अच्छा लगता है जब कोई कॉम्प्लीमेंट करता है कि यार तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, निखर गई है, तो आपके दिल से भी मेरे लिए ब्लेसिंग्स निकलेंगी कि वाओ कि ये रेमेडी तो हमें मैम ने बताई थी, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये वो। तो आप इसको अपनी स्किन पर अगर लगातार लंबे समय तक लगाओगे तो आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन और ये जो डार्क सर्कल जो हो जाते हैं अंडर आई एरिया पर, वो भी जो है रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छी रेमेडी है, घर पर जरूर जरूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। तो अब इस नुस्खे को, इस रेमेडी को मैं अपने फेस पर आपको लगा कर दिखाऊंगी, मसाज करके दिखाऊंगी। लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, चाहे तो आप 10 मिनट की नींद भी ले सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मुझे आपके लिए किस तरह की वीडियोस और बनानी चाहिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप जो मुझे सजेस्ट करेंगे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। और मेरी वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि काफी लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है ना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, मेरे दूसरे चैनल इंडियन वाइफ ऑन ड्यूटी को भी सब्सक्राइब करके मेरे उस फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्थी। Bye.